दोस्तों एस और एम की जोड़ी कैसी रहेगी, या फिर हम कहें एम और एस की जोड़ी कैसी रहेगी। अब ये जोड़ी कब बनती है, जब हमारी शादी हो जाती है या फिर हम लोग रिलेशनशिप में आते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो आज की वीडियो आपके जीवन से रिलेटेड रहेगी और दो लोगों का जीवन ये वीडियो बताएगी कैसा रहने वाला है। अगर आप एस नाम के हैं और आप एम नाम वाले लोगों से शादी करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को यार कंप्लीट देख लेना, उसके बाद शादी करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके जीवन के उन रहस्यों के बारे में बताएगी जिनको आप लोग जानकर चौंकने पड़ सकते हैं, हैरान हो सकते हैं, क्योंकि आज की ये वीडियो बिल्कुल जेन्युइन और बिल्कुल सही बात आपको बताएगी कि एस और एम की जोड़ी कितने परसेंट सही रहेगी, 100% सही रहेगी या फिर 90% सही रहेगी, एस और एम दोनों में शादी करना चाहिए या फिर नहीं, एम नाम वाले लोगों को एस से शादी करना चाहिए या फिर नहीं, या फिर एस नाम वाले लोगों को एम से शादी करना चाहिए या फिर नहीं। अगर शादी हो भी जाती है तो इनका जीवन कैसा चलेगा, जीवन इनका कैसा व्यतीत होगा, खुशहाली कितनी परसेंट रहेगी, कितने परसेंट इनके जीवन में परेशानी आएगी, सारा सटीक भविष्यवाणी इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा, क्योंकि आपके जीवन में बजरंगबली की कृपा बहुत ज्यादा होती है अगर आप एस अक्षर से हैं या फिर एम अक्षर से हैं। इन दोनों लोगों को जो है बजरंगबली की कृपा ज्यादा प्राप्त होती है, इसलिए कमेंट में जय बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक रहेगा, इसको अगर आप बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे हमारी वीडियो को और समझोगे तो आप बहुत अच्छे से जान पाओगे कि एस प्लस एम इनकी अगर शादी हो जाती है या फिर होने वाली है तो कितना चांस रहेगा कि इनका लव लाइफ, इनका पारिवारिक जीवन बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। सारा टॉपिक इसी वीडियो में कवर किया गया है। थोड़ा सा वीडियो 8 से 7 मिनट का हो जाएगा, लेकिन आप लोग ध्यान से अगर देख लोगे तो आपका जीवन का जो संपूर्ण सच है वो आप लोग जान पाओगे। तो सबसे पहले मित्रों हम बात करेंगे एस नाम वाले लोगों के बारे में, ये कैसे होते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे एम नाम वाले लोगों के बारे में कैसे होते हैं, क्योंकि दोनों लोगों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। इनका नेचर कैसा होता है, एस नाम वाले लोगों का और एम नाम वाले लोगों का नेचर कैसा होता है, पहले ये आपको बता देंगे, उसके बाद जो है हम इन दोनों को आपस में जोड़ कर देंगे, यानी कि एस प्लस एम कर देंगे। अब जब एस प्लस एम करेंगे तो हम बता देंगे एस और एम की जोड़ी कैसी रहेगी, संपूर्ण जीवन का सच ही बता डालेंगे। तो दोस्तों आपके नाम का जो पहला अक्षर होता है ये आपके बारे में कई सारी जानकारी देता है, यूं कहें कि आपके कई राज भी खोल देता है आपके नाम का पहला अक्षर। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हम किसी भी व्यक्ति के नाम के पहले अक्षर के आधार पर उसके आने वाले कल अर्थात उसके भविष्य के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। अगर आपके नाम का पहला अक्षर एस है या फिर आपका नाम का जो पहला अक्षर है वो एम लेटर से शुरू होता है, तो आज की यह वीडियो आपके लिए काफी खास रहने वाली है। आज यहाँ पर हम आपको यह बताएंगे कि एस और एम नाम वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, और साथ ही आप लोगों को यह भी बता देंगे कि इनकी जोड़ी कैसी रहती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं एस और एम नाम की जोड़ी के बारे में तो यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले मित्रों हम बताएंगे एस नाम वाले लोगों के बारे में, स्वभाव के बारे में, उसके बाद में हम जोड़कर आपको बताएंगे कि इनकी शादी कैसा रहेगा। तो एस नाम की जो राशि होती है मित्रों, ये होती है कुंभ राशि, और कुंभ राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं शनि ग्रह। एस नाम वाले लोग स्वभाव से बहुत ही प्यारे होते हैं, बहुत ही समझदार होते हैं, जिम्मेदार होते हैं एस नाम वाले लोग, और जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाने वाले होते हैं एस नाम वाले लोग, और एस नाम वाले लोग सबके साथ एक जैसे रहने वाले हैं। ये अकेले चलने में नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं। ये अपने आज में जीना पसंद करते हैं, यानी कि कल की ये ज्यादा
अधिक परवाह नहीं करते हैं इस नाम वाले लोग। अपने से जुड़ा प्रत्येक रिश्ता ये काफी अच्छे से निभाते हैं। ये जिनके भी साथ होते हैं उनके सुख और दुख में बराबर साथ खड़े रहते हैं। दिल के ये बहुत ही साफ व्यक्ति होते हैं इस नाम वाले लोग, इसीलिए दोहरा स्वभाव बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है इस नाम वाले लोगों को। जो बात इनके दिल में होती है वही बात जुबान पर होती है। ये अपने काम और करियर को लेकर काफी सीरियस रहते हैं, हमेशा ही कुछ नया सीखने की कोशिश में लगे रहते हैं तथा अपनी धुन के पक्के होते हैं, जिससे इन्हें काफी प्रगति मिलती है। इस नाम वाले लोग गुस्से में बहुत ही गलत बोल जाते हैं और इनको गुस्सा जो है बहुत ही गलत बातों पर ज्यादा आता है। इन्हें गुस्सा भी बहुत जल्द आ जाता है। गुस्से में ये किसी की बात सुनने को तैयार नहीं रहते हैं और स्वयं को अकेला कर देते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इनकी एक खासियत होती है कि इनका खुद पर अच्छा नियंत्रण होता है, इसलिए ये गुस्सा में भी जो है तुरंत शांत भी हो जाते हैं और ऐसा कदम भी नहीं उठाते हैं कि गलत कदम उठा लें, ऐसा नहीं होते हैं इस नाम वाले लोग। अगर इनको गुस्सा आ भी जाता है तो ये जो है अपना गुस्से को शांत भी कर लेंगे, काबू भी कर लेते हैं, ऐसी इनके अंदर खूबी होती है। उसके साथ साथ प्यार में इनका स्वभाव काफी ज्यादा लॉयल होता है और रोमांटिक होने के साथ साथ ये काफी शर्मीले भी होते हैं। जी हाँ, प्यार में ये थोड़े शर्मीले होते हैं इस नाम वाले लोग, इसलिए प्यार तो ये कर लेंगे लेकिन सामने वाले से अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने में ये सोचते काफी ज्यादा है। यूं कहें कि प्यार में पहल करना इनके लिए आसान नहीं होता है। प्यार में इनकी एक सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि ये अपने पार्टनर को हर दुख और परेशानियों से दूर रखते हैं और उनसे हमेशा अपनी खुशी की बातें करते हैं। जब ये किसी के साथ प्यार में पड़ते हैं तो उसका साथ जिंदगी भर निभाते हैं। ये इस नाम वाले लोगों की खूबी होती है। अब हम बात करेंगे एम नाम वाले लोगों का स्वभाव कैसा होता है, उसके बाद हम आपको जोड़कर बताएंगे कि इनकी शादी कैसे रहेगी, प्यार कैसा रहेगा। कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाएं। तो एम नाम की जो राशि होती है मित्रों होती है सिंह, और सिंह राशि के जो स्वामी होते हैं वो होते हैं सूर्य भगवान। एम नाम के लोग अगर स्वभाव के बारे में बात करें तो ये लोग स्वभाव के बड़े ही प्यारे होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, अच्छे दिल के इंसान होते हैं। अपनी वजह से दूसरों के चेहरे पर खुशी इन्हें असली खुशी देती है, यानी कि ये स्वयं दुखी हो जाए लेकिन दूसरों के दिलों पर खुशी आ जाए, ये चाहते हैं एम नाम वाले लोग। इसलिए इनकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि इनकी वजह से कभी भी किसी का दिल ना दुखे। यही नहीं बल्कि ये मदद के मामले में भी काफी आगे रहते हैं। ये लोगों के सुखों में ही नहीं बल्कि उनके दुखों में भी उनका पूरा साथ देते हैं। अपने से जुड़ा हर रिश्ते को ये बहुत ही अच्छे से निभाते हैं, वो चाहे इनका रिश्ता पारिवारिक हो या फिर दोस्ती का क्यों ना हो, प्यार का हो या फिर किसी तरह का भी रिश्ता हो, ये अपने रिश्ते को बहुत ही अच्छे से निभाते हैं। वो चाहे इनका रिश्ता प्यार वाला हो या फिर लव लाइफ वाला, कुछ भी हो, ये रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाते हैं। एम नाम वाले लोग स्वभाव से थोड़े गुस्सैले होते हैं, वैसे तो ये अधिकतर समय शांत रहेंगे, लाइफ को खूब एंजॉय करेंगे, लेकिन जब इन्हें गुस्सा आता है तो इनका सामना करना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि एम नाम वाले लोगों को भी गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। जी हाँ, इन्हें गलत बातों में बहुत जल्द गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ये सामने वाले की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। हालांकि जितनी जल्दी इन्हें गुस्सा आता है उतनी जल्दी ये शांत भी हो जाते हैं, लेकिन शांत तो हो जाते हैं लेकिन गुस्सा थोड़ा ज्यादा आ जाता है। प्यार की बात करें तो प्यार में एम नाम वाले लोग बहुत ही केयरिंग नेचर रखने वाले होते हैं और इमोशनल इनके अंदर ज्यादा होता है। वैसे तो इन्हें अपनी पर्सनल लाइफ हर किसी को शेयर करना पसंद नहीं होता, लेकिन जब ये एक बार किसी रिश्ते में आ जाते हैं तो अपने पार्टनर से हर बात शेयर करते हैं और ये फिर अपनी बातें छुपा नहीं पाते हैं। अपने साथी से इनकी बातें छुपाए छुपती ही नहीं है, इसके लिए जो है इनका जो रिश्ता बन जाता है वो विश्वासी का रिश्ता बन जाता है, विश्वास का। इनका हर रिश्ता जो है विश्वास पर भी टिक जाता है। अगर ये प्यार करते हैं तो उसी से अच्छी तरह निभाते भी हैं, ये जो है प्यार की वैल्यू समझते हैं। ये वो एम नाम वाले लोगों का स्वभाव। प्यार में अगर इनको एम नाम वाले लोगों को धोखा दे दोगे तो इनको दोबारा प्यार चाहे जितना कर लो लेकिन वो इज्जत वो मान आपको दोबारा नहीं देंगे। अब मित्रों हम बात करेंगे एस और एम नाम वाले लोगों की जोड़ी कैसे रहेगी। जोड़ी की बात की जाए तो दोस्तों ये जोड़ी जो काफी बेस्ट जोड़ी कहलाती है एम और एस
विशेष नाम वाले लोगों की। ये दोनों अधिकतर मामले में एक जैसे होते हैं। जैसे ये दोनों ही दूसरों की मदद करने में ज्यादा माहिर होते हैं, यानी कि किसी को परेशान देखकर ये एच नाम वाले लोग हों या फिर एम नाम वाले लोग हों, उनके लिए हमेशा खड़े हो जाते हैं। तो मदद के क्षेत्र में जो है एम और एच नाम वाले लोग काफी आगे होते हैं। उसके साथ साथ मित्रों हम बात करेंगे जो एम और एच नाम वाले लोग होते हैं, इनका जो प्यार होता है दोनों लोगों का जो है सेम होता है, और इनका जो पसंद होता है वो भी जो है सेम ही होता है। और ये दोनों लोग जो है एक जैसे हमें लगते हैं, लेकिन जब ये किसी को अपना मान लेते हैं, ये और एस और एम किसी को अगर अपना मान लेते हैं तो ये किसी भी कीमत पर साथ नहीं छोड़ते हैं। नेचर के मामले में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। इनकी लाइफ में फाइनेंस की बात करें तो एम नाम वाले लोग मेहनती होते हैं, आत्मविश्वासी होते हैं, इसलिए ये पैसे कमाने के लिए काफी मेहनत करते हैं और पैसे भी खूब कमाते हैं। वहीं एस नाम वाले लोग भी जिस भी फील्ड में जाते हैं वहां झंडे गाड़ देते हैं। ये लग्जरी कार या फिर लग्जरी लाइफ अपने जीना पसंद करते हैं, जिसके लिए ये खूब पैसे भी कमाते हैं, इसलिए फाइनेंशियली ये काफी ज्यादा दिक्कत में नहीं होते हैं। इसलिए एस और एम नाम वाले लोगों की जोड़ी काफी ज्यादा अच्छी जचती है। एम नाम वाले लोग दूसरों के साथ काफी अच्छे से पेश आते हैं, इनके लिए इनका आत्मसम्मान ही इनकी लाइफ का उद्देश्य होता है। वहीं एस नाम वाले लोग भी सबके साथ एक जैसे रहने पसंद करते हैं, ये किसी को भी नीचा नहीं दिखाते हैं। दोनों का बिहेवियर काफी लगभग सेम होता है, लगभग सेम हुए जैसे एक जैसा होता है। एस और एम दोनों के जो रिलेशनशिप सफल होने की संभावना ज्यादा रहती है। उसी के साथ साथ 85% तक जो है इन दोनों का जो प्यार होता है वो काफी अच्छा होता है। एक दूसरों के स्थिति को भी बेहतर से समझते हैं। अगर ये सोच समझकर फैसला लें तो जीवन की बड़ी बड़ी मुश्किलों को भी ये लोग कम कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। इनके अंदर खूबी बहुत होती है। ये जब आसपास नहीं होते हैं, आसपास नहीं भी होते हैं, तो एक दूसरों की खुलकर तारीफ करते हैं। इनकी जबरदस्त केमिस्ट्री अच्छी